रामावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ दुर्बलता नाशक। जो लोग कमजोर हैं, जिनका वजन कम है, जो बच्चे खाते पीते हैं पर उन्हें अंग नहीं लगता है और वो वजन नहीं बढ़ा सकते हैं, ये उनकी एक दिक्कत होती है। इसलिए आज आपको मैं एक घरेलू नुस्खा इस प्रकार से बता रहा हूँ जो आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी कंपनियां महंगे स्तर पे प्रोटीन बेचती है, वो प्रोटीन आपके लिए घर में है और वो बनाती है। जो प्रोटीन, वो प्रोटीन इन्हीं सामग्री से बनती है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कमजोरी नाशक। जिन लोगों में प्रोटीन की कमी हो, आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, वो विकास वृद्धि में दिक्कत आती हो, उनके लिए सरल उपाय मैं बता रहा हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा लेना आपकी जवाबदारी है, पर बड़ा सरल है, जिसमें चना और मूंगफली, इन दोनों को आपकी आवश्यकता अनुसार आप शाम को भिगो दीजिए। शाम को भीग जाएंगे, सुबह ये थोड़े मुलायम हो जाएंगे, जो आपके लिए खाने में सुपाच्य बन जाएंगे। चना एक ऐसा आहार है जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है और वो फाइबर आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो होता है, मल निष्कासन करने में बड़ी सहायता देता है। कब्ज को मिटाता है, मल निष्कासन बढ़िया होता है, तो जिससे ऑक्सीजनेट अच्छी होती है, रक्त संचार बढ़िया होता है। और मूंगफली लेंगे तो उसके अंदर फैट और वसा जो आवश्यक है वो भी आपको मिल जाएगी और प्रोटीन अच्छा सुपाच्य है जो आपको मिल जाएगा। चना और इसके अंदर आप मूंगफली, इन दोनों को शाम को भिगोइए और सुबह नाश्ते के रूप में लीजिए। अब इसमें अगर आप चाहें मीठा करना चाहें तो सबसे बढ़िया है गुड़। इसके साथ में आप ले सकते हो गुड़ की छोटी सी डली लीजिए, वो खाते खाते बीच में खाइए और इस प्रकार से खाइए सुबह कि जो भोजन आप कर रहे हैं उसका रस बन जाना चाहिए, दांतों में दब जाना चाहिए। कई बार इनकी जो साइड इफेक्ट है वो मैं दोनों के बता देता हूँ। मूंगफली में उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, जो बच्चे, जो लड़के जिन्हें नमोनिया कहते हैं, कफ की शिकायत है, या उन्हें इस प्रकार से सांस रोग या दमा की दिक्कत है, उन्हें परहेज करना पड़ेगा, उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। पर छोटे बच्चों में जिन्हें नमोनिया की दिक्कत नहीं है, खांसी की दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं करेगा। चना के साइड इफेक्ट ये है, ये गैस करता है, हजम नहीं होता है। ये दिक्कत उन लोगों को होती है जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है उन्हें चना कोई दुख नहीं देगा। तो सिंपल है कि चना और मूंगफली, इन दोनों को आप सुबह, आप चाहें तो इसको वापस बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद में उसमें आवश्यकता अनुसार अगर आपको चाहिए कि मुझे इसमें नमकीन होना चाहिए तो मिर्च वगैरह आप मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और अगर मीठा खाना चाहते हैं तो गुड़ लीजिए, दूसरी चीज काम नहीं देगी। गुड़ में अच्छे पोषक तत्व होते हैं और वो हजम होने में आपको बहुत बढ़िया काम देगा। इस प्रकार से अगर आप नाश्ता करेंगे, और हो सकता है आपको ये 3 महीने तक लेना पड़ेगा, 1-2 दिन में कुछ नजर नहीं आएगा, और बड़ा सस्ता और सरल है। मूंगफली आपको हर कहीं मिल जाएगी, चना भी हर जगह मिलता है, और चना अगर देसी जो काला चना आता है वो हजम नहीं होता है तो आप उसकी जगह काबुली चना भी ले सकते हैं। काबुली चने आते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं, वो सुपाच्य है और जल्दी फूल जाते हैं। और इसके लिए अगर आप चाहें तो इसकी सब्जी भी बना के आप काम में ले सकते हैं। अगर 3 महीने जो मैंने बताया है इस चीज को अगर आप उपयोग करेंगे, निश्चित है आपका वजन बढ़ेगा, शरीर की कमजोरी दूर होगी, खून बढ़ेगा और आपकी जो कब्ज की शिकायत है वो भी दूर होगी। कोई टिप्पणी करेंगे, सार्थक टिप्पणी का जवाब दिया जा सकता है। व्हाट्सएप के नंबर जो दिए हैं उनमें एक सवाल का जवाब दिया जा सकता है, न कि लगातार चैटिंग की जाती है। वीडियो कॉल बिल्कुल सख्त मना करते हैं हम, कुछ लोग परेशान करने के लिए वीडियो कॉल करते हैं, हम उन्हें ब्लॉक करते हैं। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।